हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हैदराबादी स्टाइल चिकन 65 की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ लिया है बोनलेस चिकन, 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड किया है, सूखा पत्ता जो है करी लिप्स का लिया है, आपके पास अगर हरे पत्ते हों तो वो ले लें, ताज़ा फ्रेश पत्ते। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक इसमें डाला है स्वादानुसार, काली मिर्च का पाउडर डाला है, जीरा पाउडर कलर लाने के लिए, कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर इसे मिक्स किया तो ये मैरिनेशन हो रहा है इस टाइम में। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि कम है तो रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने और डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स किया और इसे आधे घंटे के लिए रख दिया। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। फिर आधे घंटे के बाद मैंने एग वाइट डाला है इसमें, 1 एग वाइट, और चिकन मेरा जो है वो 300 ग्राम है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच भर करके राइस फ्लावर डाला है और कॉर्न फ्लावर 1 चम्मच भर करके, इसे डाल करके फिर इसे अच्छे से इसमें मिक्स किया। तो अब ये रेडी है, इसे फ्राई करना है। तो तेल जब गर्म हो गया तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई होने की वजह से लो टू मीडियम फ्लेम रखा था और इसे इसमें डाला है, और एक तरफ से इसे जब ये अच्छे से फ्राई हुआ तो इसे पलट दिया है मैंने। तो ये जो चिकन 65 है ये मैं सॉसी बनाऊंगी कुछ, वैसे इसे अलग अलग टाइप से भी लोग बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ड्राई रखते हैं इसे, यानी इसमें जितने भी सॉस मैंने ऐड किए हैं आगे वो नहीं भी ऐड करते हैं। तो मैंने आज जो बनाया है वो हैदराबादी स्टाइल में बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। फिर ये हो गया, इसे मैंने अच्छे से अलट पलट करके इसे देख लिया, छोटे छोटे पीसेस थे तो ये पक चुका है, फिर मैंने इसे निकाल लिया। इसी तरह से जो और बचे हुए थे उसे भी मैंने डाल दिया है, और 2 बैच में करके मैंने इसे फ्राई किया। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल कम कर दिया और गार्लिक चॉप किया हुआ डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाला है 3 स्लाइस करके। आप चाहें तो यहाँ पे पैन में बना सकते हैं, मैंने वही कढ़ाई यूज़ किया है। तो इसे 10-15 सेकंड्स तक फ्राई किया, फिर इसमें मैंने वही सूखी हुई करी लीव्स डाली है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ्रेश करी लीव्स, आपके पास अगर हो तो फ्रेश लीव्स ही आप डालें। फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है इसमें, और थोड़ा सा मैंने फिर से इसमें रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने 2 चम्मच टोमेटो केचप डाला है, क्योंकि मुझे इसे कुछ सॉसी बनाना है। 2 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच विनेगर, आप चाहें तो इसकी जगह पर नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर मैंने जिस पैन में मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था मसाले वगैरह, तो मैंने उसमें पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया,
और थोड़ा सा नमक डाल दिया, स्प्रिंकल किया। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, बस सॉस के लिए थोड़ा सा ऐड किया है। तो जब ये अच्छे से भुन गया, फिर मैंने फ्राइड जो चिकन थे वो मैंने डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स किया इसमें। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो फ्लेम ऑफ़ कर दिया और बहुत ही थोड़ा सा मैंने ग्रीन अनियन से इसे गार्निश किया है। तो ये है चिकन 65 हैदराबादी स्टाइल में। तो बनाइए इस रेसिपी को, खाइए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।